मैकलुस्की गंज थाना अंतर्गत बाजार टांड के तीन युवक 2 महीने पूर्व 7 जून सोमवार के सुबह 11 बजे से लापता हैं, जिनका अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये तीनों युवक अपने घर से रांची जाने को बोलकर निकले थे। इनमें से तीनों युवक की उम्र 22 से 24 वर्ष है। इन तीनों युवकों का नाम अशफाक खान पिता नाजिम खान, फरीद अंसारी पिता कयूम अंसारी, वसीम अंसारी पिता खलील अंसारी है। 2 महीने पूर्व इनके पिता ने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मैकलुस्कीगंज थाना इन युवाओं की तलाश जारी कर रही थी। लेकिन इन तीनों युवाओं के परिजनों को आज तक मैकलुस्कीगंज प्रशासन के द्वारा कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं हो पाया। वहीं एक युवक फरीद अंसारी के पिता कयूम अंसारी काफी गरीब और बीमार रहते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण साप्ताहिक हाट में नींबू बेचकर करते हैं। वहीं फरीद अंसारी 3 बहनों में एक बड़ी और 2 फरीद अंसारी से छोटी है। वहीं 2 अन्य युवकों के पिता मोहम्मद खलील अंसारी और नाजीम खान अपने बेटे की खोज करने के लिए कई बार थाने में चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन मैकलुस्कीगंज थाना प्रभारी ने आश्वासन ही दिया। वहीं दोनों युवाओं के पिता ने कहा कि अपने बेटे को गुमशुदगी की सूचना स्थानीय थाना के साथ साथ रांची SSP, ग्रामीण SP एवं मुख्यमंत्री को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अचानक बेटों के इस तरह से गुम हो जाने से परिजन काफी चिंतित है, साथ ही युवाओं के माता और परिजनों का बुरा हाल है। युवाओं के परिजनों ने स्थानीय पुलिस से आग्रह किया है कि वो उनके बेटे का जल्द से जल्द पता लगाएं। वहीं बाजार टांड के निवासियों में इस घटना के बाद कई तरह से डर नजर आ रहा है। फादर, मेरा लड़का 2-2.5 महीना हो चुका है, अभी तक घर नहीं लौटा है। रांची बोल के ये लोग निकले थे, 2 बाइक है, और प्रशासन भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा है। मुख्यमंत्री को लेटर दे चुके हैं, SSP को लेटर दिए हुए हैं, ग्रामीण SP को भी लेटर दिए हुए हैं। एक मतलब ग्रामीण SP को भी मैं फ़ोन करके बोला तो बोले जाइए थाना में, आपको बतला देंगे। थाना गए तो सिर्फ आश्वासन देता है कि इस चीज़ का, कि अगर आपका लड़का का मोबाइल अगर ऑन होगा तो इसी विशेष पे हम लोग छानबीन करेंगे। मगर ऐसा कोई भी अभी तक कुछ थाना का कोई भी प्रभारी हम लोग के प्रति कुछ नहीं कर पाया है, और आगे हम लोग भी खोज रहे हैं, उसको पूरे परिवार खोज रहा है लगे हुए इस काम में, मगर जरा सा भी कहीं पता नहीं चल रहा, ना परेशानर हम लोग के ऊपर ध्यान दे रहा है। के साथ में 3 लड़के थे ना? हाँ, 3 लड़का, एक फरीद नाम है, अच्छा। एक अशफाक है, अच्छा। एक वसीम नाम है, और तीनों लड़का कोयला से काम करते थे। एक लड़का NTPC में, खलील का लड़का काम करता था, मेरा लड़का है कोयला में लोडिंग करा था, एक लड़का 100 टन 200 टन कोयला लगाता था, और ये लोग सुबह निकलता था शाम को वापस आता था कोयला में कुलवारी से। आज वसीम के हम अब्बा हैं, हमारा नाम मोहम्मद खलील है। करीब 2 महीना हो गया मेरा बच्चा रांची बोल के घर से निकला और नहीं लौटा। हम लोग बहुत छानबीन किए, अभी तक कर रहे हैं। आज तक प्रशासन ना लपरा थाना, ना खेलारी थाना, ना उससे और बड़े अफसर हैं, कोई भी जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जाते हैं, मिलते हैं, चले आते हैं, कोई सुशासन नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। हम लोग परेशान हैं, घर का लोग का बहुत बुरा हाल है। अभी 2रा महीना पार होने जा रहा है, अब क्या करें नहीं करें हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएँ नहीं जाएँ, परेशानी में पूरा लोग पड़े हुए हैं। क्या बोल के निकले हुए थे घर से? कि रांची जा रहे हैं और शाम को लौट जाएंगे रांची से। जब शाम को नहीं लौटा रांची से तो हम लोग छानबीन करने लगे, कहीं मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, और उसी टाइम से हम लोग पूरा थाना सब जगह जा रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं हम लोग को सुनवाई हो रहा है, कुछ नहीं। क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाएँ अब, कैसे किन से मिलें। खलारी से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।